हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू DIY टू जी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक रेडियो कंट्रोल्ड कार है जिसे हम RC कार के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो कार है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है। आप देख सकते हैं कि कभी ऑन होती है कभी ऑफ हो जाती है। इसका लेफ्ट राइट का जो कमांड है वो भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। इसका फॉरवर्ड बैकवर्ड का जो कमांड है वो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो इस कार को हम खोलेंगे और देखेंगे कि ये कैसे काम करती है, इसके अंदर क्या होता है और कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। और अगर ये ठीक नहीं होती है तो इसके जो अच्छे से पार्ट है जो कि हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए काम आ सकते हैं उनको हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी बैटरी निकालेंगे ताकि ओपनिंग के टाइम अगर पॉजिटिव नेगेटिव वायर कहीं ज्वाइन हो जाती है तो कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। उसके बाद हम इसके टायर्स को निकालेंगे और उसके बाद बॉडी को डिसअसेंबल करेंगे। बॉडी को डिसअसेंबल करने के बाद आपको बहुत सारी वायर्स नज़र आएंगी, लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं क्योंकि ये सारी वायर कुछ काम की नहीं है। ये सारी वायर किस चीज़ की है आपको आगे जाकर पता चल जाएगा। पहली बार में तो मैं भी घबरा गया था कि इतनी सारी वायरों का कॉम्बिनेशन कैसे आ गया, पर ये सारी वायरें कुछ काम की नहीं है। डोंट वरी अबाउट इट। कार की बॉडी जो है वो हमने खोल ली है और पूरे सर्किट को हमने बाहर निकाल लिया है। अभी इसमें बैटरी कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। बैटरी को अच्छे से कनेक्ट करने के बाद हम सर्किट में पावर सप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैटरी का पावर सप्लाई स्विच जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। और उसके बाद अगर हम मोटर्स की बात करेंगे तो फॉरवर्ड बैकवर्ड का जो मोशन है वो मोटर बिल्कुल ही काम नहीं कर रही है, तो वो मोटर ख़राब है। और लेफ्ट राइट की जो मोटर है वो रिस्पॉन्स दे रही है, यानी कि वो मोटर चल रही है। तो अब हम उन दोनों मोटर्स को भी इस बॉडी से अलग करेंगे। दोनों मोटर को बॉडी से अलग करने के बाद मैं आपको सर्किट के बारे में थोड़ा गाइड कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बैटरी का चार्जिंग पिन है, ये मेन पावर सप्लाई का स्विच है जो कि रेड ब्लैक वायर मेन जाती है रिसीवर में और रिसीवर एक्टिव होता है। और यहाँ पे आप दूसरी चीज़ें देख सकते हैं कि ये मोटर्स की वायर जो है वो ग्रीन और येलो में है। ये हमारी लेफ्ट और राइट साइड की वायर्स है और ये फॉरवर्ड बैकवर्ड की। यहाँ पे फॉरवर्ड बैकवर्ड आपको दिख जाएगा और लेफ्ट राइट का ऑप्शन भी दिख जाएगा। और ये वाइट वायर जो है वो एंटेना की वायर है। और वीडियो में मैं जो बहुत सारी वायर की बात कर रहा था वो लाइटों की वायर है। और यहाँ पे तो जो फर्स्ट वायर है वो स्पीकर की है, जो हम RC कार को ऑन कर रहे हैं तो इसमें से एक म्यूज़िक बज रहा है। तो यहाँ पे हमारी जो 8 लाइटें हैं उसकी 16 वायर है, तो ऐसे ही कम हो जाएगी। हम सिर्फ एक ही लाइट रखेंगे ताकि हमको पता चले कि पावर सप्लाई जो है वो अच्छे से हो रहा है या नहीं। और स्पीकर को हम ज्वाइन करेंगे तो भी आवाज़ आएगी इसमें से। इसकी भी एक वायर जो है वो डिसऑर्डर हो गई है। सो गाइस, यहाँ पर एक मोटर को रिप्लेस करने पर हमारी RC कार जो है वो ठीक हो जाएगी, लेकिन दिक्कत की बात वो नहीं है। दिक्कत की बात ये है कि जिसमें मोटर माउंट होती है वो प्लास्टिक का पूरा जो माउंट है वो एकदम ख़राब हो गया है, वो टूटा हुआ है, इसलिए अच्छे से मोटर उसमें वर्क नहीं कर रही है। और आगे की मोटर जो हमें रिस्पॉन्स दे रही थी उसका भी पूरा वो प्लास्टिक का चक्कर जो था वो टूट गया है। तो ये सारे पार्ट तो हमें मार्केट में मिलेंगे नहीं, इसलिए मैंने रिसीवर को, बैटरी को और रेडियो कंट्रोल रिमोट को हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए रख लिया है। तो जल्द से जल्द कमेंट कीजिए कि हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए जिसमें मैं ये सारी चीज़ें यूज़ करके कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट तैयार करूँ। तो आप मुझे कमेंट में बताइए और जिस कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक हो गए वो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा। तो जल्दी से कोई अच्छा प्रोजेक्ट सोच के कमेंट कीजिए और अपने कमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाएं। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी थ्रू आउट द वीडियो।